హస్తిన ప్రజలు టపాకాయలను పేల్చకుండా లక్ష్మీ పూజల్లో పాల్గొనాలని సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పిలుపునిచ్చారు. దేశ రాజధానిలో కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని, విషపూరిత గాలి మరింత విస్తరించకుండా అడ్డుకట్ట వేయడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వం తరపున లక్ష్మీ పూజను నిర్వహిస్తామని, దానిని లైవ్లో టెలికాస్ట్ చేస్తామన్న ఆయన, అందులో అందరూ పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे. इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे. किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने. अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं. पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे. इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं. दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे. मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे. कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे. मैं आप सबसे अपील करता हूँ, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें.